कमेंट पढ़े हैं आपने? कमेंट सेक्शन में ये से बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि पीरियड टाइम पे नहीं आता, 2 महीना 3 महीना पे नहीं आता, कभी जल्दी आता है कभी लेट आ जाता है। तो पीरियड डिले होना आज के समय में एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन था कि बहुत हैवी पीरियड्स होते हैं, 1 महीने में ही 2 बार आ जाता है पीरियड, तो इस पर मैंने अलग वीडियो बनाया है। जिनको बार बार पीरियड आने की, जल्दी जल्दी पीरियड आने की प्रॉब्लम है हमारे, उस वीडियो को देखिए, आई बटन में यहाँ लिंक दिया हुआ है। लेकिन जिनको बहुत देरी से पीरियड्स आते हैं, पीरियड समय पे ही नहीं आते, तो ऐसे में कंसीव करने की पहली सीढ़ी पर हम नहीं चढ़ पाए। तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें, डाइट्री अप्रोच ही मैं सजेस्ट करती हूँ, और वो परफेक्ट है, बिल्कुल नेचुरल और हमेशा के लिए आपको फिट कर देता है। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप भी मुस्कुराते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ढेर सारी पॉजिटिविटी, और अगर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो आप पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि एक सूर्य की किरण घनघोर अंधेरे को भी खत्म कर देती है। ऐसा आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा ना, तो बिल्कुल आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और डाइट से खुद को ठीक करना है। पीरियड्स नहीं आने के रीजन क्या है? पीरियड्स नहीं आने के कई रीजन है, आप जानते भी होंगे, लेकिन शायद इसके लिए आपने कदम नहीं उठाया होगा। लेकिन आज का वीडियो आपको सिखा देगा कि घर में ही उन चीजों को कैसे हमको कर लेना है, और आशा करती हूँ कि मेरे साथ आप भी बहुत अच्छे से इनको समझ कर और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। तो सबसे पहला कारण है खून की कमी। खून की कमी इंडिया में बहुत कॉमन है, आधी से ज्यादा आबादी एनेमिक है, और ये डेफिशिएंसी है, यानी कि आहार में पर्याप्त आयरन अब खा ही नहीं रहे हो। आहार तो ठीक करना सबसे जरूरी चीज है, आपको करना चाहिए, तो आहार में आपको आयरन युक्त फूड बढ़ाने चाहिए। लेकिन इंडियंस में एक और प्रॉब्लम होती है कि कुछ इतने ज्यादा वो एंटी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। कई फैमिलीज में मैंने कल्चर देखा है कि खाना खाने के तुरंत बाद से चाय पियेंगे। ये आपने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा ना करें। आपने खाना खाया, जो चाय में टैनिन होता है, जो कुछ पदार्थ होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, वो आयरन को बाइंड कर लेते हैं और यूरिन के थ्रू पूरा आयरन आपकी बॉडी से बाहर हो जाता है। वैसे भी आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट काफी कम होता है, प्लांट बेस्ड आयरन का एब्जॉर्प्शन रेट काफी कम होता है, एनिमल फूड से जो आपको आयरन मिलता है वो काफी इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कोशिश करें एलोवेरा कलर लेने की, प्रोटीन की मात्रा अच्छी लें, विटामिन B12। खून की कमी अगर है तो B12 लेना भी बहुत जरूरी है, तो कोई एक ऐसा सप्लीमेंट लीजिए जिसमें कि आयरन, B12 आदि अच्छी मात्रा में हो, जो कि मैं अक्सर अपने वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ। तो मल्टीविटामिन रिगार्डिंग वीडियो देखना तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मल्टीविटामिन के सजेशंस आपको मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, खून की कमी तो एक रीजन है, B12 की कमी भी रहती है। अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जांच कराएंगे तो ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको सामने मिल जाएंगी। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बड़ा रीजन है। स्ट्रेस होता है तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो पीरियड साइकिल इरेगुलर हो जाती है। महिलाओं में ये देखा गया कि डाइट के लिए बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होती है, तो प्रोटीन की आहार में अक्सर कम देखा गया है। बहुत सारे लोगों को मैंने यही देखा है कि पूछने पर उनकी डाइट में मुझे प्रोटीन समझ ही नहीं आता कि उन्होंने कितना खाया होगा, नहीं बता पाते हैं कि प्रोटीन की मात्रा कितनी ले रहे हैं वो। तो प्रोटीन आपको पर्याप्त लेना, प्रोटीन किससे मिलेगा? दालों में तो है, पनीर में है, डेयरी की जो भी चीजें उसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा बीन्स खा सकते हैं, सीड्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जो भी अवेलेबल है आपको, वो ड्राई फ्रूट्स आप खाइए। संतुलित आहार लेंगे तो प्रोटीन मिलना चालू हो जाएगा। और आगे कुछ और उपाय भी बताने वाली हूँ। वजन अगर आपका बहुत कम है या ज्यादा है, तो वजन का भी असर पड़ता है ना हॉर्मोन्स पर, तो इसकी वजह से भी पीरियड्स में गड़बड़ी हो जाती है, अनियमितता हो जाती, आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। थायराइड्स, यस, थायराइड अगर हाइपोथायराइड की कंडीशन है, हाइपरथायराइड की कंडीशन है, इसमें पीरियड्स में दिक्कत आती है। तो अगर पीरियड्स इरेगुलर हैं, नहीं आते हैं समय पर, तो चलिए अब हम उपाय समझ लेते हैं कि आपको अब क्या करना है। यहाँ तक आपने कारणों को समझा था, अब हम उपायों को समझेंगे। सबसे पहले रोज रात को 2 मुट्ठी मूंग भिगोना है, 1 मुट्ठी खुद के लिए और 1 मुट्ठी एक्स्ट्रा रखना है कि बाई चांस घर में किसी और ने आपसे मांगा तो आप दे सके उनको। तो फिर आपको स्प्राउट्स बनाना है, हर रात मूंग को भिगोना है, सुबह जब वो पूरी तरह भीग जाएगा तो सूती कपड़े में बांध कर और कहीं पर भी हैंग कर दीजिए। इस तरीके से वो स्प्राउट हो जाएगा, अगले 24 घंटे के अंदर स्प्राउट्स निकल आएंगे। आप 24 से 48 घंटे भी आप उसको रख सकते हो, लेकिन स्प्राउट्स बनाने में गलती मत करना, डार्क डैम्पेन में मत रखना उसको। अगर आप ऐसा रखेंगे तो उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे, और अगर कच्चा खा लिया गलती से तो पेट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्प्राउट्स खाने के लिए मैं सबसे सेफ तरीका यही बताती हूँ कि स्प्राउट्स को आप थोड़ा फ्राई कर लें कढ़ाई में, उसको अच्छे से पका लीजिए। इसके अलावा स्टीम कर सकते हैं, स्प्राउट्स की सब्जी बना सकते हैं नाश्ते में, जैसे स्प्राउट्स करी बना ली, चपाती ले ली आपने, तो इस तरीके से स्प्राउट्स को शामिल करना। स्प्राउट्स की आप चीला भी बना सकते हो, स्प्राउट्स की आप इडली भी बना सकते हो।
तो बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस बन जाती हैं स्प्राउट से, अगर डायरेक्टली नहीं खाना है फ्राई करके। स्प्राउट की चाट भी बहुत ही बेहतरीन लगती है। क्या आपने ट्राई किया है कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपको बनाना सीखना है तो हम उस पर आपके लिए छोटा मोटा वीडियो क्रिएट करके जरूर लेकर आएंगे। दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी को फर्टिलिटी में बड़ा टॉप मोस्ट रखा जाता है। जो भी रेमेडीज होती है ना, जितने भी रिसर्चेस होते हैं, उसमें दालचीनी बड़ा खास माना जाता है, क्योंकि फर्टिलिटी बूस्टिंग हब है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बूस्ट देता है, ये ओवरीज को, यूट्रस को, सबको। तो दालचीनी कैसे खाना है, तो दालचीनी को दूध में शहद के साथ मिला के आप पी लीजिए। दूध नहीं पीते हैं तो पीने की कोशिश करें, लेकिन पी ही नहीं सकते, इंटॉलरेंस का इशू है, तो दालचीनी को एक ग्लास, एक कप हॉट वाटर में ऐड कर दीजिए। 2 से 3 ग्राम दालचीनी एक दिन में खानी होती टोटल, ऐड कर दीजिए, 5 मिनट छोड़ दीजिए, उसके बाद थोड़ा शहद मिला सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज प्लेन पीना है तो ये आपके चॉइस है। दालचीनी और हनी एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं इनफर्टिलिटी इश्यूज में, पीरियड प्रॉब्लम्स के लिए। तो ये चाय आप पी सकते हैं, दालचीनी का पानी कहें, चाय कहें, इसको आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही नहीं कर पाए, फायरलेस तरीके से खाना है तो फिर आप फ्रूट्स पे लगा सकते हैं। जैसे आपने एप्पल खाना है तो एप्पल पे आप दालचीनी को स्प्रिंकल कर लीजिए और दालचीनी को कंज्यूम कर लीजिए। दालचीनी से कई लोगों को गर्मी हो जाती है, क्योंकि सबके शरीर की प्रकृति तो अलग अलग होती है, तो एक रूल तो सब पे नहीं चलेगा। तो जब गर्मी आपको हो तो आप कुछ कूलिंग फूड से गोंद, कतीरा, छाछ वगैरह ले सकते हैं, गैप दे सकते हैं 2-4 दिन का, और ज्यादा क्वांटिटी में आपको दालचीनी नहीं खानी है। आप मल्टीविटामिन का भी सेवन कर सकते हैं, और उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने मल्टीविटामिन आप लोगों के लिए ऐड कर दिया है। एक्सरसाइज को मैं आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं दूंगी, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य नमस्कार, वैसे तो मैंने योगासन पर कई वीडियोस बनाए हैं, कई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बनाई हैं, जैसे फर्टिलिटी मसाज कीजिए, लेग अप द वॉल पोजीशन कीजिए सुबह शाम, उसके तरीके भी बताए हैं डिटेल में, वो देख ले अगर आपने नहीं देखा है। लेकिन सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगाभ्यास है, एक ऐसा सेट ऑफ एक्सरसाइज है जिससे पूरी बॉडी का काम हो जाता है। तो थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए, वार्म अप करने के बाद 4 से 5 राउंड एटलीस्ट एक बार में शुरुआत कर रहे हैं तो सूर्य नमस्कार आप कीजिए। सुबह शाम खाली पेट जब हो तब आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप फीलिंग ऑब्जर्व करना कि आपको कैसा फील होता है, फिर हमें जरूर बताना कि सूर्य नमस्कार करके आपको कैसा लगा। अगर आपको थायराइड इश्यूज है, उसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब है, तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट की आपको जरूरत है जिससे कि आपकी बॉडी ठीक से काम कर पाए, तो धनिया वाटर आपके लिए रात को 1 चम्मच धनिया 1 ग्लास पानी में भिगा दीजिए। धनिया के बीज लेने हैं आपको, सुबह धनिया छान लीजिए और उस पानी को खाली पेट पी लीजिए। उसी पानी में थोड़ा आंवला जूस भी ऐड करके आप पी सकते हो, इससे भी विटामिन सी आपको मिलेगा, आयरन कैल्शियम भी मिलेगा और उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होगा, बॉडी पीएच भी अच्छा रहेगा, तो फिर एसिडिटी हार्टबर्न भी आपको नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे कि आपका पीरियड हमेशा के लिए रेगुलर रहेगा, केवल 1 महीने के लिए नहीं, एक बार नहीं, हमेशा। इन चीजों को आप फॉलो करें, याद रखें उपायों को, छोटे छोटे पॉइंट्स पे नोट करके अपने किचन में कहीं पर लगा ले ताकि आपको याद रहे, और इनको बहुत अच्छे से फॉलो कीजिए। यकीन मानिए जिन्होंने फॉलो किया उनको 100% रिजल्ट मिला है। सो आप भी अगले हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।